हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू राहुल रमोला व्लॉग्स। सो आज है संडे, सैटरडे का दिन भी ऐसे ही निकल गया, थोड़ा सा काम किया नहीं मैंने परसों, क्योंकि फ्राइडे को मैं थोड़ा बिजी था, तो सैटरडे को मैं सिर्फ सो के निकाल दिया, तो कुछ मैं कर नहीं पाया। और मतलब नींद में था दिन भर, तो मैं क्या ही दिखाता। तो आज है संडे, तो आज मेरे को बहुत सारे पेंडिंग काम निपटाने हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस बार ही हम मतलब कि 2-3 हफ्ते से मतलब मैं घर हूँ, क्योंकि इस बार मतलब मैंने नई जॉब भी करी है, एंड नई जॉब ज्वाइन करने की वजह से छुट्टी मैं एकदम से ले नहीं रहा हूँ। तो नेक्स्ट मंथ से मतलब ये आने वाले मंथ से हम थोड़ा सा मतलब ट्रैवल करना शुरू करेंगे, एंड फिलहाल के लिए आज घर में बहुत सारे काम हैं, तो वो पहले निपटाते हैं। तो पहला काम तो ये है कि ये मेरे गेट का ना यहाँ पे लॉक मैंने एक दिन थोड़ा सा जोर से मार दिया, तो टूट गया, तो मैं पहले इसको सही करूँगा अभी। उसके बाद आई थिंक ये इस साइड में भी मतलब ये जो है ना, इसको मैं शायद रैप कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा ही हो रहा है, तो मुझे सही नहीं लग रहा ये अब, तो वो पानी से पूरा झड़ गया यहाँ से, तो इसको पहले रैप कर देंगे हम वॉलपेपर से ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि ये लास्ट टाइम क्या होता है, एसी लगाया था यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा सा वाइब्रेट हो दीवार हुई और झड़ गया वो। ये तो रहे हमारे दो काम, इसके अलावा किचन में भी कोई काम है। हाँ देखो, ये बोतल गिरी है भाई, इसको उठा लेते हैं, थोड़ा बहुत मैसी है भाई, मैं थोड़ा सा अकेला मतलब यहाँ पे इतना सब कुछ मेरे बस का नहीं है, बर्तन धोने के लिए पड़े हुए हैं, ये सब मैनेज तो करना ही पड़ेगा आज। तो पहले सबसे पहले ये वाला काम निपटा। तो अभी मुझे बाल काटने भी जाना है, मतलब आज थोड़ा सा मतलब बाल बड़े हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कटवा देते हैं, तो थोड़ी देर में निकलेंगे, बाल भी काटेंगे, तो बहुत सारे काम ये सारे निपटाते हैं आज, यही ऐसा दिन गुजरेगा अभी। तो सबसे पहले ये वाला काम करते हैं। ये देखो, ये जो है ना अपनी जगह से हट गया है और यहाँ से टूट गया है, तो मेरे को ना ये कील लगानी पड़ेगी इस पे, ये वाली, और देखता हूँ मैं ये कैसे है, ये सही लगे भाई, ये तो ऐसे, ये तो बहुत ढीला हो गया, तो सीधे ऐसे ही अंदर चला गया, ऐसे तो नहीं जुगाड़ हो पाएगा इसका। वाला जो काम है, मुझे एक तो हथौड़ी नहीं है मेरे पास कील ठोकने के लिए, पेचकस से घुमाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बेलन से काम चलाना पड़ रहा है। ये बेलन भी मैंने ऐसी मतलब एक साइड से टूट गया, तो ऐसी कभी कभार ऐसे कामों में यूज़ कर लेता हूँ मैं, एंड ये इसको लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तब शायद ये हो जाए। So guys, finally, lock set. अब इसको दिक्कत नहीं होगी, अपने आप इजीली लॉक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ये पेचकस, ये बेलन, इन सब की मदद से हम ये सब कर पाते हैं, घर के मिस्त्री बन गए आज। तो गाइस, सबसे अब दूसरा काम है ये, इसका काम भी कर लेते हैं। काफी मशक्कत के बाद तो दरवाजा में बहुत मुश्किल हुई, मतलब 1 घंटा खा गया वो मेरा पूरा, मुझे लगा था 10-15 मिनट में हो जाएगा, बट वो टाइम ले गया पूरा। तो गाइस देखो क्या हालत हो रखी है, पूरा ये मतलब ऐसे, और ये इसकी वजह से क्या बार बार कचड़ा जमा हो जाता है ये सीमेंट का, एंड पहले तो मुझे ये कील हटानी है यहाँ से, क्योंकि लास्ट टाइम एसी जब लगाया था तो इसके तार वार को सेट करने के लिए, ये देखो यहाँ से पूरा ये मकान, लास्ट टाइम जो सडन भूकंप आया था तो इस पर मुझे लगता है तब से ज़्यादा इम्पेक्ट आया इसको, ये वाला पूरा पोर्शन मुझे कवर करना है। तो अभी ट्राई करते हैं वॉलपेपर कैसे लगेगा। ऑलराइट गाइस, देखो बेडशीट और ये मैच कर रहा है आज, तो ये सारा काम भी कर दिया, बहुत मेहनत लगती है भाई इसमें, तो होप सो ये ठीक ठाक ही लग रहा हूँ, एंड ऊपर तक लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा भाई अभी, इतना बहुत है, कवर हो गया। ऑलराइट गाइस, सो इस वाला ये वाला जो रूम है ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था, लेकिन इस साइड में ये पूरी दीवार, इससे पहले कि इसकी हालत भी वैसी हो,
ये मकान बहुत अच्छा, मतलब इसमें कुछ तो कमी रहेगी है जहाँ तक मुझे पता है। खैर रेंटेड रूम है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ रहते हैं तो ऑब्वियसली मुझे जहाँ मैं रह रहा हूँ वो तो मतलब एटलीस्ट ठीक होना ही चाहिए। तो जैसे जैसे इसमें प्रॉब्लम आ रही है मैं ठीक कर देता हूँ। अभी इसके बाद हॉल में थोड़ा मैंने सामान पटक दिया है, ये सोफ़ा कम बेड में, तो ये भी आजकल होता नहीं है यूज़, इसको भी मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि अब ये पुराना हो चुका है, तो जैसे मर्जी यूज़ कर लेते हैं कभी इधर उधर ले जाके। एंड पहले मेरे पास यहाँ पे जिम का टेबल हुआ करता था जो कि मैंने बेच दिया, अभी वो भी नहीं है, तो अब मैंने सिर्फ डंबल वंबल रखे हैं और बस, ज़्यादा कुछ है नहीं खास। और इस साइड में अभी ये धोने के लिए कपड़े रखे हुए हैं जो कि मेरे को अभी वॉशिंग मशीन में डालने हैं या शाम को डाल के चले जाऊँगा क्योंकि कल तो मैंने सारे धो दिए थे। सो गाइस फाइनली ये वाली जो दीवार है वो मैंने भी पूरी कवर कर ली ऊपर तक, तो ये वाला शेड अच्छा लग रहा है, इतना ख़राब नहीं लग रहा, मतलब कि कलर वगैरह कुछ मिसमैच या ऐसा कुछ ठीक ही लग रहा है मुझे तो, बिल्कुल देखने में मस्त लग रहा है, तो सही है। इतनी मेहनत हो गई आज के दिन में, अब करते हैं लंच, थोड़ा सा खाना वाना गर्म करके उसके बाद लंच का। अब ज़्यादा लेट हो गया इसलिए लंच के बाद अब मैं सफाई, पहले ये जो कागज़ फैले हैं वो हटाने पड़ेंगे, इधर भी बहुत सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है ये भी हटाना पड़ेगा, यहाँ पे जो सफाई करनी पड़ेगी मुझे तो पहले ढंग से। तो खूबसूरत ये अच्छा लग रहा हो देखने में, मन तो कर रहा है यहाँ से पूरा एक दीवार के बैठ के पीछे कवर कर लूँ, लेकिन लेट इट बी, इतना भी क्या ही करना। राइट गाइस, सो लंच की थाली हमारी रेडी हो गई है, लंच में है रोटी छोले आलू छोले एंड थोड़ा सा सैलड और हमारा ब्लू कुरसाओ, ब्लू लगून भी था बट मैंने ये वाला चूज़ किया ब्लू कुरसाओ क्योंकि मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरा पीने का मन था जूस वगैरह, तो जूस तो है नहीं मेरे पास, तो ये एक मतलब सिर्फ पड़ा था ब्लू कुरसाओ का, तो मैंने ये यूज़ कर लिया। ऑलराइट गाइस, खाना खा के हो गया और बस अब नहीं हो पा रहा भाई, अब सो जाओ, लेकिन यार बाल भी कटवाने हैं तो वैसे बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए लेकिन जाना तो पड़ेगा, चलते हैं यार बाल कटवा के आते हैं आसपास जहाँ मिल जाए, आज ज़्यादा दूर जाने का मन नहीं है तो आसपास ही चलूँगा जो भी अवेलेबल हो। ऑलराइट गाइस, कटिंग भी करवा ली है फाइनली मैंने और शाम हो गई, तो शाम को अभी मुझे बाहर भी निकलना है, तो बाहर मतलब कुछ दो चार सामान लेंगे, मार्केट वार्केट जाएंगे सेक्टर 23 तक एंड उसके बाद वापस। तो आज का दिन अभी ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही गुजर रहा है, काम ही इतने हैं घर में तो वो काम भी निपटाने होते हैं, तो काम निपट चुके हैं ऑलमोस्ट, तो जो अभी बाहर के काम है थोड़े बहुत वो देख के या वो करके ख़त्म करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ मार्केट में ग्लोबल फायर के आसपास, बट यहाँ पे भी मतलब मार्केट लगा हुआ है थोड़ा सा छोटा मोटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी हट्स, ये शॉप्स हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है इनमें, बट मैं मार्केट में कुछ जिस काम से आया था वो काम तो हो नहीं रहा। अच्छा, खिलौने उलौने की शॉप्स हैं। तो नाइट में यहाँ पे मतलब मज़ा आता है घूमने में इस मॉल में, ऐसा मतलब वॉकिंग एरिया है और ये सामने फाउंटेन चल रहा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो अगर आप कभी पालम विहार साइड में आ रहे हो ना तो ये मतलब अच्छा मतलब मॉल है, मॉल ही बोल सकते हैं इसको हम, ग्लोबल फायर के नाम से, और इसके साथ ही अंसल प्लाजा भी है, तो यहाँ पे मतलब नाइट में मज़ा आता है, ठीक ठाक ही मौसम रहता है, आज तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इस साइड लगा हुआ था मेला, ये वाली स्ट्रीट पे बच्चों के लिए मतलब जो खेलने मिलने का होता है ये इस साइड में रहता है, और खाने पीने का भी इस साइड काफ़ी है, सैलून वगैरह ये सब इस साइड में है। तो काफ़ी लंबा हो चुका आज का व्लॉग, तो अभी चलते हैं घर के लिए, मेरे को कुछ सामान ख़रीदना बीच में तो वो मैं खरीद के निकलता हूँ घर के लिए।
सो ऑल राइट गाइज, मैं निकल चुका हूँ घर से, सॉरी आई मीन घर के लिए। तो आसपास ये जो मार्केट एरिया है, ये अभी मैं गुजर रहा हूँ पालम बिहार के आसपास के जो मार्केट एरियाज हैं। वैसे अगर मैं घर में रहता हूँ ना रात को, तो मेरा मन नहीं करता शाम को बाहर आने का। संडे को यही और सैटरडे को यही प्रॉब्लम है, अगर हम घर में रहें तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। अभी मैं बाहर हूँ तो मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा, तो फिर आज जाना तो है। सो गाइस, फाइनली मार्केट से घूम के और आज घर का सारा काम निपटा के मैं वापस आ गया हूँ। एंड डिनर हो गया है, तो अब टाइम हो गया भाई वीडियो एंड करने का। तो ट्राई करूँगा इसी तरीके से, मतलब डे टू डे हम इम्प्रूव करें अपनी वीडियोस को, और ट्राई करूँ कि कुछ नया हम जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको मैं डेली बेसिस पे, मतलब आपको डेली व्लॉग्स में मतलब दिखाते रहूँ। एंड हमारा अपकमिंग ट्रैवल प्लान भी बन रहा है, तो हो सकता है कि इसके बाद वाले व्लॉग में आपको मैं अपडेट कर दूँ फाइनल। बट इसके बाद भी व्लॉग्स आते रहेंगे, आप प्लीज़ देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें जो चैनल पे नए हैं, एंड डू शेयर द वीडियोस, डू लाइक कमेंट, एंड इसके अलावा मुझे सजेस्ट करते रहें कि किस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन और आपको दे सकता हूँ। कोई अगर कहीं मैं ट्रैवल में जाता हूँ तो लोग आजकल मुझे सजेशन देने लग गए हैं, तो थैंक यू गाइज जो मुझे सजेशन दे रहे हैं। जैसे जैसे मतलब मैंने बहुत सारी रील्स अपलोड करी हैं, तो उनमें सजेशन देते हैं कि यार रील्स में आप ये मेंशन कर दो। केदारनाथ वीडियोस की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें तो भाई साहब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लोगों ने मुझसे मांगी, तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। क्योंकि उस केदारनाथ सीरीज़ पे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारे रेगुलर व्यूज़ नहीं आते, वहाँ पे मेरे को रेगुलर व्यूज़ से कहीं ज़्यादा मिले हैं। तो आई लाइक कि वहाँ पे मतलब मेरा अच्छा मतलब वो जो है व्यूज़ रेंज ऊपर गया है। तो गाइज थैंक यू फॉर योर टाइम एंड लव एंड सपोर्ट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग राहुल रमोला ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय।